यार आप लोगों को ना मैं ना एक शुगल दिखाता हूँ, वो चेक करो। साशु वो बैठी है, बड़े मजे सबको देख रही है। मिली आ जा, टांगों में नहीं आना, हाथ पे आया करना। गुड बॉय। हमारा विक्की भाई भी हमारे साथ। यो मैन व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। ओए भाई जान, पूरे के पूरे लिबड़े पड़े हैं, गंदे हुए पड़े हैं, काले चिट्टे नीले पीले हुए पड़े। अभी खैर सर शर धो के आयो, मेरी भी हालत टाइट थी। क्या कर रहे हो, सारा पेंट कर रहे हो? हो भी गया। बेस कर रहे हो उसकी? बेस सिर्फ। हाँ, उसके बाद फिर गाइस हमने इसके ऊपर आर्मी ग्रीन करवाना है, आर्मी ग्रीन, क्योंकि हम आर्मी, आई एम पाकिस्तानी एंड आई लव आर्मी एंड आई एम गोइंग टू क्या, बुर्गी 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 बन गए हम। अच्छा गाइस, शाजिल भाई तो इधर लगे हुए हैं, ठीक है, और अरसलान भाई इधर पट्टियों को खोल रहे हैं, क्योंकि फ्रंट बनना है आज। क्या बनना है? एफ आर ओ एन टी बनना है, ठीक है, फ्रंट बनना है। और ये देखो, ये आपको समझ नहीं आ रही हो क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है इधर, हम क्यों कर रहे हैं ये। यार देखो, जहाँ पे भी आपने मुर्गी या मोर रखना है ना, वहाँ पे चिचड़ों का बड़ा खदशा होता है, तरह तरह के चिरिंद परिंद और इंसेक्ट्स होते हैं। तो यार वो इंसेक्ट क्या पता करते हैं, वो गंदे होते हैं, इन्फेस्टेशन क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, इन दर्जों में घुस जाते हैं, और फिर इधर घुस के ना अंडे शंडे दे देते हैं, ठीक है। तो ये भाई आई थिंक का ना भी मूसा है, मेरा ना भी मूसा है, दो मूसा एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन भाई को मैंने कहा कि यार आप ऐसा करो, इन सब दर्दों को भर दो, तो हमारा काम सेट हो जाएगा। अब ये देखो, इन्होंने इसको ही बंद कर दिया, इनकेस हम फ्यूचर में कोई तोते शोते ले आते हैं, तो तोते इधर से निकल ना जाएं, ठीक है। तो इसलिए इनको भी बंद करवाना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए काफ़ी सारी जगह है, ठीक है। ये सारी देख रहे हो, ये सारे वेंटिलेशन शाफ्ट्स मैंने दिए हैं, ताकि हवा की आहोजारी लगी रहे। गाइस ये जो है, सारी की सारी दर्जें इस तरह भर रही हैं, और इसके ऊपर भी फोम लगेगा, तो ये बिल्कुल प्यारी सी फिनिश दे देंगे इसको। ऐसी है फिनिश अभी आएगी इसकी, अभी सिर्फ रफ कर रहे हो आप, ऐसे ही है ना मूसा भाई कह रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा तो अरसलान भाई एक बात बताओ मुझे, कि हमारा फ्रंट आज चार्ज में तैयार हो जाएगा? फ्रंट तो बन जाएगा, लेकिन जाली जो है वो कल मुकम्मल हो जाएगी, कल कल जाली लग जाएगी सारी, आज फ्रंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जेंगो। हाँ जी मोरू, तुम्हारा पिंजरू तैयार हो रहा है। मोरनी तुमने नाराज कर दी है। मोरनी यार इसको ना मुंह नहीं लगाती बिल्कुल भी हमारे मोरू को, पता नहीं क्या है, शायद इसकी मैस्कुलिनिटी थोड़ी सी कम है, इसके अंदर मर्दाना क्रोमोसोम्स जो है ना वो थोड़े कम है, इसमें मादी इसको मुंह नहीं लगाती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी जगह खुली मिलेगी ना, तो ये थोड़े एडजस्ट हो जाएंगे। और इनके बारे में बात करते करते ये देखो नेरी ना तुर, वो देखो अंडा दिया हुआ इसने, तुर्की बर्ड्स अंडा दिया हुआ, शाजिल अंडा दिया हुआ टर्की ने, हाँ इनको भी उठाते हैं। हेलो कैकी, आपने नहीं अंडा दिया? अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, आप ना मैं कैकी का को पिंजरा दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इधर ईंटें रखी हुई हैं, वजह पता है क्या थी, पानी फेंक फेंक के ना इन्होंने फट्टा चुक मारा है, ये देखो फट्टा ऊपर से उठा हुआ है ना, अब इसके ऊपर वेट दिया ताकि फट्टे का जो लेवल है ना वो बना रहे, और ये ज़्यादा ना उठे, क्योंकि फिर ना काम खराब होगा, दर्जें बनेंगी, दर्जों में से फिर हो सकता है कि कल को हम कोई छोटी वैरायटी की मुर्गी या कोई परिंदा रखते हैं, उसका अंडा नीचे से क्रैक से जाके नीचे वाले पिंजरे में जा सकता है। तो यार ये काम भी मैंने आज किया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू, बल्कि नहीं ये हो गया था, आगे कंटिन्यू करना था, याद आया। और अरसलान भाई यहाँ पे अपने कारतूस तैयार कर रहे हैं, जिससे फ्रेम वगैरह अरसलान भाई ने सारे फिट करने हैं। अरसलान भाई यार मेहरबानी करो, थोड़ा सा जल्दी कर दो, मेरे कबूतर कम अज कम हफ्ता हो गया अंदर ही बैठे हुए, वो बाहर नहीं निकले, मेरे दिल पे सोचो क्या बीतरी होगी, वाह गुड हो गया। और हमारी ये जो दीवार है ये वाली तो पूरी टीप हो गई है, मतलब सिर्फ हमने दर्दें भरी हैं, ये जगह रहने दी है क्योंकि प्यारी लगती है काफी ज्यादा। ये दीवार हो गई है, ये पूरी दीवार हो गई है, साशा भाई को तंग कर रही है, सुबह की तंग कर रही है बदतमीज। ये वाली आखिरी दीवार रह गई है जो भाई ने करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपना भाई आधे से ज्यादा काम खत्म कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि जाके। ये देखो मैंने ये पूरा फ्रंट इसका पेंट कर दिया है, छत पूरी मैंने इसकी पेंट कर दी है, साइडें पूरी पेंट हो गई हैं, और बैग भी पूरी पेंट हो गई है। अब मैं दिखाता हूँ, बाकी तो सब कुछ हो गया, रह क्या गया, रह सिर्फ गया अंदर अंदर से भाई, ये भी मैं कर देता हूँ, फिर ये भी बिल्कुल डन हो जाएगा। और इस बदतमीज बच्ची के काम चेक करो, इसने अपने दोनों पांव छिलवा लिए हैं, छिलवाती कैसे है मैं ऊपर, ये देखो ये छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं ना, ये इस तरह के पीसेस, ये इन पे आके पांव रखती है और पांव जख्मी करवा लेती है। नीचे भेजता हूँ, देखना नीचे भेजूंगा, नीचे नहीं जाएगी। साशु इधर आओ, इधर आ बच्चे, चलो नीचे चलो। अस्तग़फिरुल्लाह, कसम से घंटे से हम भेज रहे हैं, नहीं जा रही, कैमरा खुला, तमीज आ गई है साशु को भी, वो नीचे गई है, नजर भी नहीं आ रही। वाह भाई वाह, मुझे तो आज पता चला कैमरे की भी इतनी पावर होती है, साशा भी मानती है कैमरे की, भाई लोग आ गई है, बल्कि थोथा नवारी आ गई है।
रुको आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो साशु बिल्ली पहचा कैसे करते हैं यार। बस भाई लोग भी अपना सारा काम कर रहे हैं, मैं भी अपना ये काम खत्म करता हूँ फिर। तो फाइनली यार ये भी सारा मैंने पेंट कर दिया, ये देखो ये सारा पेंट हो चुका है, थक गए हैं कसम से। जब तक मैंने अपना वो वाला फ्रेम पूरा पेंट किया ना, भाई ने भी ये वाली पूरी दीवार कर दी है यहाँ से। बस थोड़ा सा ये इतना सा एक पीस रह गया, ये हो जाएगा, उसके बाद डालना है ये पिंजरा। बाकी फ्रेम वगैरह तो सारा तैयार हो गया, दीवारें सारी प्लस्तर वगैरह हो गई हैं, अब आखिरी रह गया एक ये वाला पाइप लगाना है और एक इस जगह पे पाइप लगाना है। सामन भाई इसकी पमाई से ले रहे हैं कि ये टोटल बना कितना है। ये देखो कितने सामन भाई, ये सड़े ये बना पांच फुट एक इंच। यार पहले ये देखो दीवार इस तरह की थी, गंदी मैली सी, और अभी ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी फिनिश आई है इसके ऊपर। ये ऊपर हमने ऐसे सिल्वर के क्रीम्स दे दिए हैं, इसके वो क्रीम्स होते हैं पता नहीं क्या होते हैं, बस वो हमने दे दिए। सेंटर वाला ये पाइप भी लग गया है और नीचे भी पाइप लग गया है, सब कुछ हो गया। और इनके दोनों दरवाजे भी ये मेरे हाथों का हाल देख लो कैसे लाल पीले हुए हैं, इतने बुरे हो गए हैं कसम से। ये दोनों दरवाजे भी इसके बन गए हैं, बस अब मैं जाना है इधर से एक शॉप पे जाके जाली लेके आनी है, जाली लाके भाई को देनी है, भाई को फिट करेंगे, उसके बाद हमारा ये पिंजरा रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी छत डालेंगे, इसको डेकोर करेंगे, इसके अंदर मोर छोड़ेंगे और काम खत्म। यार ये सब लोग देख लो कितने मजे कर रहे हैं, अपने अपने कबूतर उड़ा रहे हैं, मैं नहीं उड़ा सकता, सारे अंदर बंद पड़े हुए हैं, बाहर भी नहीं मैं निकाल सकता क्योंकि सारी छत पे कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है अभी। बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं, इस पूरे खुडे की सिर्फ फ्रंट पे जाली रह गई है और कुछ भी नहीं। और साशा हमारी क्या कर रही है, साशा ये देखो साशा इधर बैठ के सबको देख रही है कि भाई सारे लोग सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साशु कहाँ देख रहे हो आप, ए साशु बिल्ली पै जा यार आप लोगों को ना मैं ना एक शुगल दिखाता हूँ, वो चेक करो, साशु वो बैठी है बड़े मजे सबको देख रही है। बिल्ली पैजा ये शुगल के साथ साथ एक नुकसान भी हुआ है, वो भी सुन लो। वो नुकसान ये हुआ है कि भाईजान ये जो हमने पूरा फ्रेम रखा था, इसकी हमने फ्रंट भी बना दी, सब कुछ कर ली। अब मसला क्या आया, मसला ये आया कि भाईजान ये फ्रेम थोड़ा सा इधर से बाहर की तरफ चला गया। वालेकुम सलाम हबीबी कैफा हालुक। मसला ये है कि ये फ्रेम उठा के हमने थोड़ा सा आगे करना है, तो बस ऊपर से पकड़ेंगे थोड़ा सा आगे। हाँ जी हैं ये भाईजान, हम चूजे नहीं होते छोटे चूजे, हाँ मेरे जैसे छोटे चूजों के लिए मैं ना खुड्डा बनवा रहा हूँ, पूरा खुड्डा है 20x20 का और उसके अंदर एक सिल्की का चूजा छोड़ दें। तो भाई जान फुल गुप अंधेरा हो गया है, काम वगैरह भी सारा खत्म हो गया, भाई लोग सारे जा रही हैं। ये देखो ये फायदा होता है कैसे चमक रही है लाइट के अंदर, भाई दूर से पता चलेगा कि भाई आ रहे हैं, जहाँ पे नजर आए रात के टाइम देखो चमक रहे होंगे। हमारा विक्की भाई भी हमारे साथ, यो मैन व्हाट्सअप है व्हाट्सअप। चलो जी अब चलते हैं अंदर। सुबह के भाई जान हम छत के ऊपर थे, काम करवा रहे थे नीचे अपने। ट्विंकी आप इधर क्या कर रहे हो बच्चा, आ जाओ अपने पिंजरे में, चलो आ जा। ओ पीछे की तरफ गेयर लग गया तेरा, आ जाओ। ओ बच बच बच, चलो अपने पिंजरे के अंदर चलो। दूसरी इसकी टीम ये, इधर आओ आ जाओ। चलो आप भी अंदर चले जाओ। चलो भाई ओ चूजली बाहर निकल आया, चूजली की भी फीमेल है सारी बाहर आ गई है, क्या कर रही है ये। चलो चूजली अंदर, चलो अंदर, खुडे कैसे खुल गए, आ जाओ। चलो भाई अंदर आप भी, दूसरी फीमेल आप भी अंदर चलो, दरवाजे को बंद करें। हाँ जी देख लिया आपने, अब यार हाथों का हाल देख लो, पेंट कर करके क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। आ जाओ आप भी बाहर, आ जाओ आ जा मेरा बच्चा, आ जा, टांगों में नहीं आना हाथ पे आया करने, गुड बॉय। इसके मुंह पे इतनी गंदी आ रही है देखो, मकोड़ी निकली हुई है, इसका भी इलाज करते हैं, ये भी सेट करते हैं, है ना। ए आ जा चलो दोबारा आ जाओ, गुड बॉय। चलो इधर बैठ जाओ आप, इधर बैठो, मैं अपने जरा इयाम शमानी के चूचे देख लूं ठीक बैठे हैं कि नहीं।
फुल हेल्दी माशाल्लाह, फुल हेल्दी। अच्छा यार, जब जंगली कबूतर ये हमारे पास आया था ना, तब इसकी हालत काफी ज्यादा टाइट थी, मगर अब देखो माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव होके बैठा हुआ है। वो देखो सारे चूजों के पीछे वो बैठा हुआ है। नजर ए खोल के दिखाता हूँ आपको, ए वो देखो बिल्कुल माशाल्लाह ये ठीक हो गया। और यार ये व्हाइट वाला मुर्गा कसम से इतना ज्यादा प्यारा है ना, कोई हद नहीं, बहुत प्यारा लगता है ये मुझे। टर्की बर्ड का अंडा भी मैं ले आया था, इस पे 31 तारीख लिखती है जो कि आज की तारीख है। इसको वैसा करते हैं हैचरी के अंदर डाल देते हैं, ताकि भाई हमारे पास टर्की बर्ड के भी बच्चे आ जाए ना, ऊपर हो जो। चलो ये इधर ऐसे। और हमारे पास टर्की बर्ड का एक अंडा नहीं है, हमारे पास काफी ज्यादा अंडे हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 टर्की बर्ड के अंडे हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इन सब में से चूजे जरूर निकलेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, और मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से होगा हमें को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक अदर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।